तो फाइनली गाइस हमारे गेम में ऐड हो चुका है ताजमहल, और ये आप देख सकते हो ये दिखने में कितना बढ़िया और खतरनाक लग रहा है। और ये जितना बाहर से अच्छा लगता है उससे कई ज्यादा अंदर से भी ये बहुत ही बढ़िया है। और ये ताजमहल में हम ऊपर वाले फ्लोर में भी जा सकते हैं। और अगर आपको भी अपने गेम के अंदर इस वाले ताजमहल को ऐड करना है तो वो कैसे करना है वही मैं आज बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गेम के अंदर, फिर आपको जाना है अपने फोन के अंदर, और ये जो लास्ट वाला इंटरनेट वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमें एक लिंक को पेस्ट करना है जो कि हमारी ताजमहल की लिंक है। और ये लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है ताजमहल लिख के, और आपको उसी लिंक को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो गाइस सबसे पहले आप चेक करो आपका फोन का इंटरनेट ऑन है कि नहीं, अगर आपका इंटरनेट बंद होगा तो फिर आपका ताजमहल नहीं आएगा। और यहाँ पे मैंने इंटरनेट को ऑन कर दिया है और यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करना है, और ये देखो हमारा ताजमहल ऐड हो चुका है। और अगर आप चाहो तो इंटरनेट को बंद भी कर सकते हो, और जैसे आपकी फाइल लोड हो जाएंगी फिर आपको अपने गेम को रिस्टार्ट करना है क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना रिस्टार्ट करे आपका ताजमहल ऐड ही नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान से गेम को रिस्टार्ट कर देना है। और अभी मैं आपको ताजमहल की लोकेशन की तरफ लेके जाना वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। तो गाइस जैसे हम घर से निकल जाते हैं हमें यहाँ से राइट लेना है और हमें सीधा का सीधा सिटी की तरफ जाना है, और यहाँ पे आपको किधर भी टर्न नहीं लेना है। जैसे आप रेलवे स्टेशन के साइड आ जाएंगे फिर आपको ये जो जुरासिक पार्क दिख रहा है ना, आपको सीधा सीधा जाना है जहाँ तक जुरासिक पार्क है। और फिलहाल तो हम अभी तक तो नहीं पहुंचे, यहाँ पे हमारी गाड़ी ठुक गई। और गाइस अभी आप देख सकते हो फाइनली हम हमारे ताजमहल के लोकेशन की तरफ आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो हम हमारे ताजमहल के लोकेशन की तरफ पहुंच चुके हैं। और गाइस यार ये ताजमहल देखो भाई साहब, मतलब यार ये कितना लंबा और बड़ा ताजमहल है, और ये दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन के साथ ये कितने अच्छे पोल लग रहे हैं, और यहाँ पे ट्री भी देखो यार क्या खतरनाक बने है इसको। और चलो अब मैं इसके अंदर लेके जाता हूँ, और भाई साहब यार ये देखो, मतलब इसका इंटीरियर भी बहुत ही बढ़िया बनाया है। और यहाँ पे देखो जैसे हम इस बाहर के साइड आ जाएंगे यहाँ पे देखो भाई साहब ये प्रॉप्स किसे हिल गए यार, मतलब समझ रहे हो यहाँ पे हम हमारे प्रॉप्स वगैरह ट्रीज वगैरह यहाँ पे हिला के हम हमारे अलग सी क्रिएटिविटी भी यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन ये दो कौन से पोल है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे शायद से लग रहा है ये बुर्ज खलीफा है क्या। और चलो ये बुर्ज खलीफे को हम छोड़ते हैं और यहाँ पे ऊपर जाके देखते हैं यहाँ पे, ओ भाई ये क्या, मतलब जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे ये नेट वगैरह हिलने लग चुके हैं, इसलिए यहाँ से हमें संभल के जाना है। और फाइनली यहाँ पे मैं ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई साहब, मतलब इसको बनाना बहुत ही मुश्किल गया होगा इनको, लेकिन ये बहुत ही सही बनाया है इन्होंने। और यहाँ पे दो बड़े बड़े डस्टबिन भी है, दो नहीं तीन है, और यहाँ पे हम ऊपर चढ़ के देख सकते है। और गाइस यार प्लीज मुझे कमेंट में बताना आपको ये ताजमहल कैसा लगा, मुझे तो ये बहुत ही बढ़िया लगा। और ऐसे ही नए नए अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।